कई रेलवे स्टेशन की कहानियाँ इतनी रोचक है जिसके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का बेगुन कोडर स्टेशन, जो कई अजीबोगरीब हादसों की वजह से लोगों की दिलचस्पी में आ जाता है। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की चर्चा होते ही हमारे जहन में पुराने किलों और इमारतों की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका संबंध भूत से जुड़ा है? यह स्टेशन कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बेगुन कोडर में स्थित है। इस स्टेशन का उद्घाटन साल 1960 में हुआ था, लेकिन भूतों की खौफ के कारण यह स्टेशन जल्दी बंद कर दिया गया। इस स्टेशन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि संताल रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस एक लड़की की वजह से यह बंद हो गया। भले ही यह बात आपको अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस स्टेशन के खुलते ही यह अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। बेगुन कोडर के एक रेलवे कर्मचारी ने इस स्टेशन पर एक महिला भूत देखा, जिसके कारण उसकी मौत उस स्टेशन पर एक दुर्घटना में हो गई, जिसे लोग स्टेशन को लेकर असली परेशानी उस समय शुरू हुई जब बेगुन कोडर के स्टेशन मास्टर को और उनके परिवार वालों की लाश रेलवे क्वार्टर में मिली। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इनकी मौत के पीछे किसी भूत का ही हाथ है। कई लोगों का मानना है कि सूरज ढलने के बाद जब कभी कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो महिला का भूत उसके साथ दौड़ने लगता है, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर आगे निकल जाती है। लोगों के भीतर धीरे धीरे इस महिला का भूत का खौफ बढ़ने लगा, जिस कारण कई लोगों ने स्टेशन पर आना छोड़ दिया। समय गुजरता गया और लोगों ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया। स्टेशन पर काम करने वाले कई कर्मचारी वहाँ से भाग गए या मर गए। इस घटना के बाद यह रेलवे रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत होने की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी। भूत के खौफ के कारण जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो लोको पायलट पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता था ताकि वह उस स्टेशन को जल्दी पार कर जाए। पैसेंजर भी स्टेशन आने से पहले ही अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। धीरे धीरे इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी इस स्टेशन से चढ़ना उतरना नहीं चाहता था। यही वजह रह चुकी है समय में पूरा स्टेशन ही सुनसान होकर बंद हो गया। हालांकि 42 साल बाद गांव वालों की रिक्वेस्ट पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर आज तक कोई स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा नहीं किया गया। हालांकि आज भी शाम होने के बाद लोग स्टेशन पर नहीं